सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट हुआ जारी, 90% से अधिक छात्र हुए पास। पिछले साल की तुलना में पटना रीजन 3 पायदान नीचे फिसला। 10वें नंबर पर पटना जोन। तिरानवे दशमलव 31% लड़कियां पास। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर, 3,000 घरों में घुसा बागमती का पानी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 290 पदों के लिए करें आवेदन। और लॉकडाउन हुआ पूरा बिहार, जानिए क्या मिलेगी छूट, क्या है पाबंदियां। स्वागत है सभी का बिहार समाचार में। तो सीबीएसई बोर्ड 10th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें अगर पटना की बात करें तो पटना के डीएवी स्कूल की आयुष प्रतीक को 98.4% अंक मिले हैं और ये नंबर 1 है पटना के, पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट में 98.4% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डीएवी के प्रिंसिपल वीएस ओझा के मुताबिक सभी 594 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें 104 छात्रों का अंक 90% या इससे ऊपर है, जबकि 80-90% के बीच 149 छात्र हैं, 70-80% के बीच 136 छात्र हैं, 60-70% के बीच 100 छात्र और 60% से नीचे 105 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो पिछले साल की तुलना में पटना रीजन 3 पायदान नीचे फिसला। साल 2019 में पटना रीजन कुल 16 रीजन में 7वें स्थान पर काबिज रहा था। साथ ही पटना रीजन के कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत भी बेहतर था। पिछले साल 91.86% छात्र उत्तीर्ण हुए थे, इस बार परीक्षा का परिणाम में 0.26% की गिरावट दर्ज की गई है। तो पटना जोन को 10वें नंबर पर शामिल किया गया है। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन के मुताबिक पटना जोन में 90% से अधिक छात्र पास हुए हैं। वहीं लड़कियों का भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा। सीबीएसई द्वारा रिजल्ट के मुताबिक इस साल 93.31% लड़कियां पास हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 1.5% अधिक है। अगला खबर हमारा बाढ़ से रिलेटेड है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर, देखिए 300 घरों में घुसा बागमती का पानी। कुमार रघुनाथ मुजफ्फरपुर, बागमती में उफान से मुजफ्फरपुर के औराई में करीब 300 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ से हालात बिगड़ते देख अब लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। माल मवेशी के साथ लोग तटबंधों पर शरण ले रहे हैं। बबन गामा पश्चिमी, मधुबन प्रताप, बाड़ा बुजुर्ग, बारा खुद, हरनी, रघुपुर, तरवाना, चैनपुर समेत तकरीबन एक दर्जन गांवों में बाढ़ के पानी ने कोहराम मचाया है। लोग धीरे धीरे बागमती के उत्तरी और दक्षिणी तटबंध पर शरण ले रहे हैं। वहीं कटारा में बागमती के जलस्तर में करीब 2.5 फीट की बढ़ोतरी हुई है। तो पटना में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस चीज़ में मिलेगी छूट और क्या रहेगी पाबंदियाँ। पटना में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पुनः लॉकडाउन लगा दिया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें इन सेवाओं को लॉकडाउन से राहत मिलेगी, जैसे सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम, मौसम विभाग जैसे चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेगी। पुलिस सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेगी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग लॉकडाउन से मुक्त है। मोबाइल शॉप, रिपेयरिंग शॉप, गैरेज, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के स्तर पर दी जा सकती है। अंत में हम लोग बात करेंगे रोजगार को लेकर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 290 पदों में आवेदन निकली है। तो आप भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी डिटेल की जानकारी आपको पूरी तरह से दी जाएगी। किन पदों में भर्ती होगी इसे आप देख लीजिए।
ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 290 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें से 100 रिक्तियां ब्लास्टर के लिए, 60 मेट के लिए, 60 इलेक्ट्रीशियन के लिए, 30 फिटर के लिए, 25 वेल्डर के लिए और 10 डीजल मैकेनिक के लिए, 6 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए, 5 टर्नर सर्वेयर में से प्रत्येक के लिए और ड्राफ्टमैन और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 2-2। योग्यता अगर बात की जाए तो योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए संबंधित ट्रेड से ITI उत्तीर्ण होना चाहिए और उसी को NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मेट और ब्लास्टर के मामले में उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए। तो आज के बुलेटिन में इतने ही, मिलते हैं दूसरी खबर के साथ।